मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 मार्च 2023 सोमवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं बड़ी खबर के साथ, क्योंकि देश में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। राजस्थान में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 200 के करीब पहुँच गई है। देश में लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR की जॉइंट एडवाइजरी के मुताबिक 10 और 11 अप्रैल को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की योजना बनाई जा रही है। इस दौरान सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। एडवाइजरी में बताया गया है कि मॉक ड्रिल की पूरी डिटेल 27 मार्च को आएगी। आगे बढ़ते हैं। वारिस पंजाब दे के चीफ और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश 9वें दिन रविवार को भी जारी रही, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस पंजाब के अलावा 5 राज्यों में सर्च कर रही है। अमृतपाल के जैकेट, चश्मे और ट्रैक सूट में वीडियो वायरल हो रहे हैं, यह पटियाला के बताए जा रहे हैं। वहीं पटियाला में अमृतपाल को पनाह देने वाली महिला को अरेस्ट कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। वहीं अमृतपाल की तलाश के लिए नेपाल बॉर्डर पर वांटेड के पोस्टर भी लगाए गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मनरेगा मजदूरों के लिए काफी अच्छी खबर है। दरअसल केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरों के वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की है। हरियाणा में सबसे अधिक 357 रुपए मजदूरी तय की गई है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सबसे कम दैनिक मजदूरी 221 है। नई मजदूरी दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। वहीं बड़ी अपडेट आपको यह भी दे दूं, पिछले साल की तुलना में राजस्थान में मजदूरी में सबसे अधिक प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के लिए संशोधित वेतन 255 रुपए प्रतिदिन है, जो 2022 और 23 में 231 रुपए था। फिलहाल मनरेगा मजदूरों के लिए अच्छी खबर यह है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के तहत मजदूरी दरों में बढ़ोतरी के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और आपको बता दूं, हरियाणा में अभी सबसे अधिक मनरेगा मजदूरी है, यहाँ दिन की मजदूरी 357 रुपए है। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सबसे कम 221 रुपए मनरेगा मजदूरी मिलती है। और आपको बता दूं, बढ़ाई हुई मजदूरी रेट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नागौर जिले के ढिंगसरा गांव निवासी महरिया परिवार ने रविवार को रामधेनु में अपनी बहन के यहाँ 8 करोड़ से अधिक का मायरा भरा। मायरे में 2,21,31,000 रुपए नगद, एक नया ट्रैक्टर ट्रॉली धन से भरी हुई, 100 बीघा जमीन, 1 किलो सोना और 14 किलो चांदी, पूरे गांव में 800 चांदी के सिक्के सहित अन्य उपहार दिए गए। अगली बड़ी खबर, राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स के साथ सरकार की वार्ता विफल हो गई है। बैठक में डॉक्टर्स ने दो टूक कहा है कि हमें राइट टू हेल्थ बिल मंजूर नहीं है, और सरकार और डॉक्टर्स के बीच वार्ता विफल होने के बाद सोमवार को भी मरीजों को दर्द झेलना होगा। विडंबना यह है कि एक ओर निजी अस्पताल बंद है तो दूसरी ओर सरकारी अस्पताल भी गंभीर और ट्रॉमा केस ही भर्ती कर रहे हैं। हालात यह है कि सरकारी अस्पतालों में तो डॉक्टर्स ही नहीं मिलते और अब प्राइवेट अस्पतालों ने मरीजों के दर्द को हथियार बना लिया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज दोपहर 12:15 बजे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे CP जोशी। CP जोशी राजस्थान भाजपा के 15वें अध्यक्ष होंगे। पदभार ग्रहण समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी शामिल होगी। वहीं चित्तौड़गढ़ और उदयपुर से भी बड़ी संख्या में पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। आपको बता दूं, राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पद से सतीश पूनिया को हटाकर अब CP जोशी को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के मौसम को लेकर भी बड़ी अपडेट आ चुकी है। राजस्थान में विभिन्न जगहों पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल हट गया है, लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। हालांकि फिलहाल आने वाले 2-3 दिनों तक तो प्रदेश में अब अचानक तापमान बढ़ेंगे, मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन किसानों को यहां पर पहले से अलर्ट होने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार फिर 29 या 30 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। हालांकि अभी यह विक्षोभ दूर है, इसी वजह से सटीक अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी अनुमान है कि 30 मार्च के आसपास एक बार फिर जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, श्रीगंगानगर में मेघ गर्जन के साथ
वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। वहीं 30 मार्च के आसपास जालोर, पाली, बाड़मेर को छोड़कर पूरे प्रदेश में तेज रफ्तार हवा के साथ मेघ गर्जन और ओलावृष्टि हो सकती है। ऐसे में किसानों के पास अभी 2-3 दिन का समय है। किसानों को अब अपने काम में तेजी लानी चाहिए और जो खेतों में बिखरी पड़ी फसलें हैं उनको कहीं न कहीं सुरक्षित जगहों पर इकट्ठा करने की सोच लेनी चाहिए। फिलहाल 2-3 दिनों तक तो किसानों को डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 30 और 31 मार्च के आसपास किसानों को एक बार फिर सावधान रहने की आवश्यकता है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।